हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी क्या है कि मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमसीए ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग में एमसीए का एडमिशन किया है। तो अभी भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ पे देखा मैंने बहुत सारों को इश्यूज़ है, कैसे क्या एग्ज़ाम वगैरह होगा, असाइनमेंट्स वगैरह कैसे क्या करने हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी यहाँ पे एमसीए कर रहे हैं ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड में, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि कैसे क्या सीन रहता है। तो अभी वो करंटली सेकंड सेमेस्टर में है, तो उन्होंने मुझे थोड़ी वो डिटेल्स दी तो मैंने वो नोट डाउन की। तो अभी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने ऑलरेडी प्रोसेस हुआ है हमारा, कि पहले हम जब हम एडमिशन करते हैं तो या तो कंसल्टेंसी थ्रू होता है या तो डायरेक्टली हम साइट पे जाके कर सकते हैं। फिर भी वहाँ से एक कंसल्टेंट हमें रेफ़र करता है, तो वो फिर बताता है कि ये प्रोसेस है। और फिर एडमिशन पूरा प्रोसेस होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं उस साइट पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मेन साइट पे। फिर हमें 15 to 30 डेज में क्रेडेंशियल्स मिल जाता है, और जिनको नहीं मिलता है तो वो सपोर्ट से हेल्प लेकर क्रेडेंशियल्स उनको भी फाइनली मिल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमें वो क्रेडेंशियल्स यूज़ करके एलएमएस पोर्टल पे, एक एलएमएस पोर्टल है जहाँ पे हमें हमारा पूरा प्रोफाइल दिखेगा, रिजल्ट्स देखेंगे, और जो भी हमने कोर्सेज में इनरोल किया होगा, तुम लोग मल्टीपल कोर्सेज एक टाइम भी कर सकते हो। और फिलहाल तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने एमसीए के लिए लिया है, वो 2 इयर्स का कोर्स है। और उसमें क्या है, एक पोर्टल होता है एलएमएस पोर्टल, जहाँ से आप लोग ये सब स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को फिर लाइव लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो उसमें SLM होता है, तुम लोगों के पास 2 चॉइसेस है। एक तो तुम जो सॉफ्ट कॉपी होती है LMS, उसमें जो PDFs होती है अपलोड करके, वो हम वहाँ से ऑनलाइन, उनका एनिमेशंस भी बहुत सही होता है, जिनको पसंद है ऑनलाइन डिस्प्ले की ओर देख कर पढ़ना, तो वो लोग उसके साथ जा सकते हैं। बट मैंने खुद प्रेफर किया हार्ड कॉपीज़। उसके लिए तो मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता, 1500 समथिंग एक्स्ट्रा देना पड़ता है पर सेमेस्टर का। तो मैंने वही प्रेफर किया क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और सबका खुद का ओपिनियन है, वो उन लोगों को कैसे ठीक लगता है, वो लोग उसके साथ जा सकते हैं। एंड फिर ये सब पूरा सेम वही PDF तुम्हें प्रिंट करके मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एक सेकेंड, इस टाइप का आप लोगों को PDF मिल जाएगा, ये डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स का है। ऐसी सेम आपको बाकी बुक्स भी मिलेगी, ये सेम वैसी PDF प्रिंट करके हैं, बट मुझे ऐसे ज़्यादा सही लगा इसलिए मैंने ये प्रेफर किया। 1500 ही एक्स्ट्रा देना पड़ा इसके लिए। एंड फिर रहता है असाइनमेंट्स का, तो असाइनमेंट 1 जो होगा उसमें ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन होगा, उसमें सिर्फ MCQs होंगे। एंड जो असाइनमेंट 2 होगा उसमें हमें जो क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स ने बोला, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को पेपर ईमेल आईडी पे आएगा, जो लोग वहाँ से आपको जब ईमेल प्रोवाइड करेंगे तो आप लोगों को आउटलुक में वो अकाउंट खोलना पड़ेगा उसी ईमेल के थ्रू। एंड देन आपको पहले वो पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आपका लॉगिन जब फाइनली हो जाएगा आउटलुक में, तो आउटलुक में ना आपको ईमेल आईडी पे वो पेपर आ जाएगा असाइनमेंट 2 का। और जब वो आपको पेपर आएगा तो आप लोगों को क्या करना है कि आप हैंड रिटन भी दे सकते हो या फिर MS Word में भी दे सकते हो। तो मोस्टली प्रेफर करूँगा MS Word में देना। और जैसे आपका असाइनमेंट होगा, तो अगर अगर आप हैंड रिटन भी लिखते हो, MS Word में भी लिखते हो, तो आप लोगों को ना क्या वो करना है कि प्रिंट आउट करके ना कुरियर करना है। और जब वो कुरियर उनके पास पहुंच जाएगा तो आप लोगों को मैसेज आएगा कि दिस कुरियर हैज़ बीन रीच टू अस, आपको कन्फर्मेशन मिलेगा कि आप लोगों का असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। एंड देन क्या रहता है, हाँ, क्लासेस। तो क्लासेस का क्या है कि वीकली में ना 5 डेज आपको पर डे का 1 1 आवर का एक सब्जेक्ट का क्लास लग जाएगा, और वीकेंड्स ऑफ होंगे। तो ये मैंडेटरी नहीं है ज्वाइन करना, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो उन्होंने भी बोला मैंडेटरी नहीं है। एंड देन एग्ज़ाम्स का सेम जैसे हमारा असाइनमेंट 2 हुआ, वैसे ही मेन एग्ज़ाम्स होगा हमारा। एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उसमें पेपर दिया हुआ है, उसमें 32 पेजेस होंगे। तो 32 पेज क्या क्या करना है, वो अलग से सॉफ्टवेयर होगा, उनका प्रिंट आउट निकाल के हमें, वही अगर तुम लोगों को एक ही शीट लिखना है, लेकिन तुम्हें 32 पेजेस निकालने ही निकालने हैं, तो 32 शीट्स निकाल के हमें प्रिंट आउट करके उस पर हैंड रिटन लिखना है, और हैंड रिटन लिख कर हमें PDF अपलोड करना है उसी सॉफ्टवेयर में। और फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हमें वो आंसर शीट्स हमें कुरियर करने हैं उनको, CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को।
जब पूरा एग्ज़ाम एंड होगा तो करियर अपलोड, एक तो PDF भी अपलोड करना है, और लास्ट पे हमें ये सब मतलब जो जो भी हमारे आंसर शीट्स होंगे वो सब करियर करने हैं। बट ये ज़रूरी है कि हर एक शीट का 32 पेज मस्ट होना चाहिए। अगर तुम लोग ने एक ही पेज लिखा होगा लेकिन 32 पेज हमें करियर करने ही करने हैं, तो वो ना लाइक जो आंसर शीट वहाँ से वो सेंड करेंगे ना, वो उन पे शायद कुछ कोड होगा या वाटरमार्क होगा उनका, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से प्रॉक्सी नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट्स इंटरनल का भी होता है, एक्सटर्नल का भी। तो इस बारे में मैंने उन्होंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। बट आप लोग क्या है कि जो LMS पोर्टल है ना, वहाँ पे आप लोग एक टिकट रेज कर सकते हो इसके रिलेट, जब आपका रिजल्ट में जब ज़्यादा ही टाइम कुछ लगे तो लाइक विद इन 2 to 3 डेज उनका रिप्लाई आ ही जाता है। या अगर आपको कोई और मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे तो वो उसका भी मतलब वो रिप्लाई कर ही देंगे। एंड हमेशा लाइक विद इन 2 डेज 3 डेज के बाद मतलब नोटिफिकेशंस चेक किया करो, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट मिलता ही रहेगा। एंड जो क्लासेस होंगी उसका भी लिंक तुम्हें आउटलुक से ही मिल जाएगा। एंड फिर जब ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसके बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आई गेस हम लोगों का अप्रैल में होगा। तो उसके बाद सेम प्रोसेस रहता है, लाइक फी जब पे करोगे तभी क्लास मतलब तुम्हारा वो सब्जेक्ट्स वहाँ पे LMS पोर्टल पे अपलोड होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ और डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो भी कंसल्ट करूँ, लाइक मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा कि ऐसे क्या सीन रहता है। तो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, एज यू नो लाइक आई एम वर्किंग विद इन्फोसिस एज अ SOC एनालिस्ट, सो उसके रिलेट भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सो डू चेक देम ऑल। एंड मैं पर्सनल व्लॉग्स भी बनाता हूँ, और सिनेमेटोग्राफी में भी अब आल्सो मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अगर इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट कर लेना जो भी डाउट्स होंगे, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। टिल दैट बाय बाय।